इस साइड इंडिया है, इस साइड बांग्लादेश है। मैं अभी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में, मुझको बार बार बोलने का मन कर रहा है कलवा सलीम जावेद कैसा लग रहा है। Hey guys, it's me Abu Shah and watching Abu Vlogs. So welcome to my video. Noise बहुत सारा आ रहा है। It's day 2 in Banga Bazar. So आज हम लोग जा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर, कुशियारा नदी बांग्लादेश बॉर्डर, वहाँ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वहाँ जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं है, बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या है क्या नहीं है देखेंगे और बहुत सारा फन करेंगे वहाँ पर जाके। सो अभी निकलते हैं क्योंकि बहुत देर हो गया, अभी 2 बजे हो रहा है। जुम्मा से अभी मैं आया हूँ तो अभी निकल रहा हूँ मैं, और मेरे साथ एक गाइड भी रहेगा, मतलब मेरा भाई एक रहेगा, उसको सब कुछ अच्छे से पता है, सो वही मुझको लेके जा रहा है। तो अभी निकलते हैं, अभी गो। सो अभी हम लोग निकल गए और ये काली मंदिर मेरे घर के पास ही पड़ता है, मतलब मस्जिद और मंदिर मेरे घर के पास ही पड़ता है ये काली मंदिर। और ये मेरा ब्रो, ये हमको गाइड करके ले जाने वाला है क्योंकि ये बहुत बार गया है ये, मतलब वहाँ पर घूमता रहता है, तो ये हमको गाइड करके ले जा रहा है। और वहाँ पर आगे बंगा बाजार स्टेशन, और ये मेरा फूफू का लड़का है, चलो निकलते हैं अभी। और मेरे घर से बांग्लादेश बॉर्डर का रास्ता कुछ 40 मिनट का पड़ता है बांग्लादेश बॉर्डर पहुँचने के लिए। कैसे हो, जाऊँ मुझे नहीं बताना। सो हम लोग शॉर्टकट जा रहे हैं, जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना ही अच्छा है, और हम लोग को लेट भी हो रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में कलवा का रिश्तेदार इतना सारा मिल गया, देखो उधर भी है इधर भी है। आंटी नमस्ते। नागालैंड जाने के बाद वो बहुत मारेगा। और हम लोग आधा घंटा से मासली विलेज क्रॉस कर रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर जाने के लिए ये विलेज क्रॉस करके जाना पड़ता है, थक गए जाते जाते। बांग्लादेश बॉर्डर जाने के लिए ये विलेज क्रॉस करके जाना पड़ता है, सो जाते हैं और देखते हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होगा, लेकिन मैं हूँ ना, आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि BSF कम होगा ना वहाँ पर, तो मतलब कैमरा तो 101% गारंटी वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, लेकिन मैं वो लोग को रिक्वेस्ट करूँगा फिर आप लोगों को दिखाऊंगा, टेंशन नट। अभी हम लोग जस्ट BSF कैंप क्रॉस करके आए हैं, वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था इसीलिए वहाँ पर कुछ शूट नहीं किया। आगे जा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर, मतलब बॉर्डर तो बहुत लंबा है ना, तो मतलब उस साइड जा रहे हैं जहाँ पर मतलब कैमरा हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस साइड ही जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पर तो अलाउ नहीं है ना। और मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं किया क्योंकि वहाँ पर लोग भी नहीं थे, सिर्फ नोटिस बोर्ड ही था, किसी को पूछने के लिए कोई नहीं था इसीलिए। सो इस साइड जाते हैं, जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। मेरा भाई बोल रहा है कि वहाँ पर मतलब बोर्ड उर्ड सब कुछ है, मतलब हम लोग जहाज से मतलब शिप से घूम सकते हैं, जाके देखते हैं। सो फाइनली हम लोग ये जगह तक पहुँच गए हैं, एंड 5, 4, 3, 2 कैसा लग रहा है? ऑसम राइट। यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, हम लोग उस साइड से जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर मतलब जाना मना था, कैमरा करना मना था, इसलिए उस साइड से जा नहीं पाए। उस साइड जगह बहुत अच्छा था, लेकिन इस साइड भी खराब, इतना ख़राब नहीं है। आगे आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश बॉर्डर, और आगे बांग्लादेश, इस साइड इंडिया, बहुत कुछ अभी भी दिखाने के लिए। धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग एंड तक वीडियो देखते रहिए। और ये है बांग्लादेश बॉर्डर, बहुत सुंदर, और इस रिवर का नाम है कुशियारा रिवर। बोट का आवाज़ सुन सकते हैं वहाँ से, बोट का साउंड मोबाइल तक आ रहा होगा। तो ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, और ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में पड़ता है ये नदी। उस साइड बांग्लादेश है, इस साइड इंडिया है। 2 मिनट में हम लोग आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई। सो अभी यहाँ पर बोर्ड भी आ गया, वहाँ पर उस साइड पे बोर्ड था, और मैं नीचे जाता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है क्या नहीं है, बोर्ड कैसा है, वहाँ पर ये क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं ये नीचे आ गया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लकड़ी का बोर्ड होता है, यहाँ पर एक बोर्ड शायद ख़राब पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। एंड वन थिंग, कलवा जावेद सलीम कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत मजा लग रहा है रे। ये लेके आएगा नागालैंड, हाँ देखो तो ये लेके आएगा नागालैंड। और आप लोग यहाँ पर भी एक बोर्ड देख सकते हैं, ये छोटा वाला बोर्ड है, इसमें तो मैं कभी नहीं बैठने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा है ना, डर लगता है पानी के साथ, मतलब खिलता रहता है अगर मेरा iPhone 11 गिर गया तो। सो उस साइड जाते हैं, जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और ये लोग को देख सकते हैं कितना फोटोशूट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा भी फोटो खींचने का मन नहीं है, अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा फोटो आएगा। ये बोट फिर से चल लिया, मतलब लोगों को पार करने के लिए ना, लोगों को पार करवाने के लिए जा रहा है फिर से। हम लोग भी जाएंगे थोड़ी देर बाद, पहले यहाँ का थोड़ा मज़ा ले लेते हैं। फोटो एक दो फोटो खींच लेते हैं, जाके सलीम लोग को भी तो दिखाना है, FB पे तो अपलोड करना है, और TikTok बनाएंगे TikTok। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं ये बोर्ड पर घूमने के लिए। इसके पहले आप लोग ये व्हाइट एंगल शॉट देखिए, 360 कैसे दिख रहा है व्हाइट एंगल में,
मैं वाइट एंगल में इतना व्लॉग नहीं बनाता हूँ क्योंकि ऐसे ही नहीं बनाता हूँ क्योंकि इतना मतलब अलग दिखता है, इसीलिए मैं नहीं बनाता हूँ। तो देखिए वाइट एंगल शॉट कैसे लग रहा है। ये पूरा नदी का, कुशेरा रिवर का, बांग्लादेश बॉर्डर का। अभी हम लोग फाइनली बोट पर जाने वाले हैं, बोट चढ़ने के लिए। जाके देखते हैं वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। सो भैया से बात कर लेते हैं, भैया फेयर कितना लेंगे क्या नहीं। सो हम लोग भैया से बात कर लिया है और भैया यहाँ घुमाने का 200 रुपये मांग रहे हैं, तो हम लोग भैया का दे दिया। और घूमने अभी जा रहे हैं वहाँ तक, वहाँ टॉप तक जाएंगे, फिर वहाँ से फोटो वोटो खींचेंगे, फिर आएंगे। सो अभी ये बोट स्टार्ट हो गया है और बोट चल रहा है, और आप लोगों को सुन के विश्वास नहीं होगा, ये बोट पानी से चलता है, 100% पानी से चलता है ये बोट। यहाँ पर नॉइस बहुत है, कुछ सुनाई भी नहीं देगा। मैं आगे जाके बैठ रहा हूँ, आगे बैठ के बात करेंगे। सो यहाँ पर पीछे जगह था लेकिन मैं आगे आके बैठ गया क्योंकि मुझको आगे ही बैठना था, और मैं ये पानी को टच कर रहा हूँ। ओए मेरा जूता भीग गया रे। पीछे बहुत जगह है, देख सकते हैं आप लोग, पीछे बैठने का बहुत जगह है लेकिन मैं आगे आके बैठ गया। बहुत मजा आ रहा है भाई। लाइफ का पहली बार मैं शिप में ट्रेवल कर रहा हूँ, छोटा मोटा शिप है लेकिन शिप है ना, और बहुत मजा आ रहा है। और आप लोग भी इधर आइए, बहुत मजा आएगा, मतलब बोलो ही मत, जन्नत का फीलिंग आ रहा है। उसको बार बार बोलने का मन कर रहा है, कलवा सलीम जावेद कैसा लग रहा है, हमको तो बहुत मजा लग रहा है, लॉस तुम लोग लॉस। और ये आप लोग देख सकते हैं, और एक बात, इस साइड इंडिया है, इस साइड बांग्लादेश है, मतलब बोलो ही मत। मैं अभी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में हूँ, नदी के बीचों बीच कुशेरा रिवर में। मुझे उस साइड जाने का मन था लेकिन वहाँ पर जाना मना है, मतलब यहाँ से मतलब जाने के लिए पासपोर्ट लगता है ना, तो इसीलिए जा नहीं पाऊंगा मैं। अगर CRF लोग देख लेंगे तो बहुत कुछ बोलेंगे, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, पास में ही है, क्या करेंगे। और ये इंडिया, एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 कूल। और अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ और अभी घूम लिया हम लोग, अभी हम लोग उस साइड जा रहे हैं, इंडिया के साइड जा रहे हैं, क्योंकि शाम भी होने वाला है ना, तो घर में भी काम है, नहीं तो पूरा घूमते, बहुत दूर तक घूमते, लेकिन अभी घर जाना है, काम है, इसीलिए अभी इस साइड जा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, जब से मैं आया हूँ मतलब शिप एक बार भी खाली नहीं गया, मतलब लोग आते ही रहते हैं यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए। सो फाइनली हम लोग शिप से उतर गए हैं और अभी सीधा घर जाएंगे यहाँ से, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। सो आप लोग यहाँ पर आके विजिट करिए, यहाँ पे आने के लिए आपको बांगा टुकरग्राम पे आना पड़ेगा, लोग किसी भी पूछने से यहाँ पर ला देगा आप लोगों को, टुकरग्राम नियर बांग्लादेश बॉर्डर बोलने से यहाँ पर आप लोगों को ला देगा। तो यहाँ पर आइए विजिट करिए, बहुत अच्छा प्लेस है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ से अभी लेफ्ट कर रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट कर रहे हैं क्योंकि शायद 3 बजे हो गया है, मैंने टाइम भी नहीं देखा है, तो यहाँ से लेफ्ट कर रहे हैं, सीधा घर जाएंगे। आज बहुत इंजॉय किया रे, हम लोग का प्लान बहुत कुछ है, मतलब हम लोग का प्लान बहुत है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा जगह है, तो वहाँ पर जाएंगे विजिट करेंगे। असल में मेरे घर में काम चल रहा है इसीलिए मैं इतना ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज छुट्टी मिला है इसीलिए मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ। कल तो मैं फिर घर में काम है, तो परसों फिर अलग जगह जाऊँगा। आप लोगों को वीडियो आजकल बहुत ही मस्ती मस्ती मिलेगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, वीडियो बहुत अच्छा अच्छा आते रहेगा। और अभी यहाँ पर एक CRF भैया मिले थे, बहुत अच्छा लगा उनको मिलके, बहुत अच्छे से बात किया। सो अभी हम लोग घर ही जाएंगे, और घर तक जाने का मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत आलसी हो गया हूँ मैं, वही सेम रास्ता आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, तो वीडियो में यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन डू कमेंट क्लिक लाइक एंड यू नो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपकमिंग वीडियो ऐसे ही आते रहेगा। सो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए एंड स्प्रेड लव, बाय बाय।